बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, 11 अक्टूबर 2011 को जब साबिक सदर मुल्क के आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़का अशरफ को पीसीबी का चेयरमैन बनाया तो जैसे कि पूरा मुल्क ही हिल गया हो, यानी कि कोई चैनल ऐसा नहीं था और खास तौर पर पाकिस्तान की उस वक्त की बड़ी ऑपोजिशन, उन्होंने तो ऐसी अलगार की और इतना शोर किया। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे लोगों को नवाजते हैं, अपने लोगों को नवाजते हैं, अपने लोगों के हवाले पाकिस्तान के अहम इदारे कर देते हैं, उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे भी अपनी दोस्तियों को निभाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो वो कैसे ना ज़का अशरफ को निभाते। उनके साथ निभाई गई दोस्ती, उनको पीसीबी का चेयरमैन लगाया और हुआ ये कि ज़का अशरफ साहब एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बन गए। लेकिन मई 2013 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ साहब को काम करने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उस वक्त जो उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे अपने चेयरमैन के पीसीबी के, वो साफ और शफाफ भी नहीं थे और क्रिकेट बोर्ड के आईन के मुताबिक भी नहीं थे। जून 2013 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने जब हल्फ उठाया तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि एक ऐसी शख्सियत को केयरटेकर चेयरमैन मुंतखब कर दिया जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई वास्ता न था, न है, न रहा है। हाँ, अलबत्ता उनकी एक ऐसी चीज से वाबस्तगी जरूर रही है जिसका अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, और ये एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ है। हम समझे थे कि शायद इसमें सदाकत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स मिलने पे नजर आया कि सदाकत काफी हद तक है। वो क्या चीज है हम बात करेंगे, और पीटीआई के इल्जामात अपनी जगह है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगी ये उससे हटकर होगी। इसी तरह 19 जुलाई 2013 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नजम सेठी को पीसीबी के चेयरमैन में 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए कहा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन के तो मजे ही और होते हैं। जहां मर्जी जाओ, जितना मर्जी पैसा लगाओ, एक स्टेडियम को कलर करने के लिए 15 करोड़ का ठेका उठा लो, पूरी फैमिली के साथ फ्री ट्रैवलिंग, अयाशी, खाते। खैर, इंतखाबात नहीं हुए। इतनी देर में वो ज़का अशरफ साहब अपील में चले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा ज़का अशरफ साहब ही पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे, ओहदे पर बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये कैसे होता, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आज तक पूरी कौम को ये दर्श देते आए हैं कि अपनों को नहीं नवाजना, उन्होंने नजम सेठी को नवाज ही दिया। नजम सेठी साहब का ये ख्वाब भी था कि वो पीसीबी के चेयरमैन बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो, क्योंकि केयरटेकर चीफ मिनिस्ट्री के बाद अब उनको खाली एक एंकर का रोल अदा करना मुनासिब तो नहीं लगेगा, अब तो उन्हें बड़े बड़े ओहदों की आदत हो गई है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नाज़रीन क्या किया कि उन्होंने ज़का अशरफ साहब को हटा दिया, उन्होंने बोर्ड भी खत्म कर दिया, आईनी तरमीम भी खुद कर डाली और अपने ही सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब करवा दिया। अब एक नया बोर्ड तश्कील दे दिया, लेकिन बोर्ड के मेंबरान मिले नहीं, वो कहीं और मौजूद थे। कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। सबको पहले से आगाह कर दिया गया था कि एक ही बंदे को नॉमिनेट करना होगा जिसका नाम है नजम सेठी, और उन सब ने ऐसे ही किया, किसी ने फोन पर, किसी ने SMS के जरिए, फौरी तौर पर हामी भर ली। नए बोर्ड जो एडहॉक बेसिस पे बनाया गया है, उसके एक शख्स ने आके ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए ज़का अशरफ साहब पर और कहा व्हाइट पेपर जारी करेंगे, यानी कि व्हाइट पेपर अभी बनाया जा रहा है। ये एक अलग बात है कि ज़का अशरफ साहब के ऊपर इल्जाम है कि बिग थ्री के अंदर जो एक रोल उनको प्ले करना चाहिए था, शायद उन्होंने इतना बखूबी नहीं किया, वोट से एब्सटेन किया और पाकिस्तान रह गया पीछे। लेकिन आज सवाल यह हो रहा है कि तमाम इदारे अगर सियासत की नजर हो रहे हैं तो पाकिस्तान का एक इदारा जो क्रिकेट, जिससे पाकिस्तान की आवाम दिलो जान से प्यार करती है, और जिस दिन पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच होता है क्या हाल होता है ये तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। यानी कि हर शख्स की नजर टेलीविजन स्क्रीन पर लगी हुई होती है, उसको भी अब आपने सियासत की नजर कर दिया। जो आता है उसका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, अपने मन पसंद दोनों को लगा दिया जाता है। हमारा सवाल यह है कि अब नजम सेठी साहब हो गए एक हुकूमत के नुमाइंदा, और अब वो एक आम सहाफी नहीं रहे, क्योंकि पहले वो बने केयरटेकर चीफ मिनिस्टर और उन पर पीटीआई ने लगाया कड़ा इल्जाम। उन्होंने कहा एक बैरून मुल्क सफीर जिसके पास ये शवाहिद मौजूद थे या उन्होंने इस बात को रिवील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 11 मई की रात को नजम सेठी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें कहा मियां साहब 35 पंचर ला देते ने, यानी कि 35 हलकों का काम हो गया है।
35 हलके किसके खाते में गए, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हमारे पास ऑडियो सबूत है। अगर ये बात सच है तो इतनी जल्दी नई हुकूमत, नए वजीर आजम, कभी असेंबली डैम, कभी 35 पंचर, फिर ऑडियो टेप्स वाली कहानियां। नजम सेठी पर दूसरा क्या इल्जाम है वो आज हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एक इलेक्टेड बंदे को भी हटाते हैं और पूरा बोर्ड भी तोड़ देते हैं, पूरे सारे उसके आईनी ढांचे ख़त्म करके और उसमें एक इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी। ये तो क्रिकेट में इस तरह ही है जिस तरह को मार्शल लॉ लग गया है। जो ये आईन है, ये आईन एक शख्स के लिए बनी थी पिछले मार्च, जबकि कोई पेट्रन कोई और था। और ये आईन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसमें इलेक्शन नहीं होते चेयरमैन के, नॉमिनेशन होती है। इस दौर में जगा अशरफ ने बहुत ज्यादा करप्शन की है, इरेगुलरिटीज की हैं, जिसका वाइट पेपर एक दो दिन में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऑफिशियल और मैं भी निकालूंगा यहाँ से। इस शख्स ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया है, इसने जितनी अपॉइंटमेंट्स की हैं वो गलत की हैं, इरेगुलर की हैं। हम सब इसका अजारा करेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरिट को प्रिवेल करेंगे। बासित अली जो है उसकी बुक कराची में चलती थी, वो एक करप्ट और फिक्सर है और उसको यहाँ पे लगाया गया, जबकि वो एक और अदारे में काम भी करता था। आमिर सोहेल की रेपुटेशन सबको पता है कि लाहौर में उसने क्या किया है। उसने अलेजेंडली लड़कों से पैसे लेके लाहौर के लड़के खिलाए थे। उससे ज्यादा करप्ट आदमी पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ। वेलकम बैक अजीन। ब्रेकिंग न्यूज तो आप देख ही रहे होंगे, नजम सेठी साहब को कंफर्म पीसीबी चेयरमैन बना दिया गया है। सब ने उनकी हिमायत की है और हमारे फॉर्मर बहुत ही जबरदस्त जो विकेट कीपर थे मोइन खान साहब, उनको हेड कोच लगा दिया गया है। अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, कौमी असम्बली के मेम्बर हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, कौमी असम्बली के मेम्बर हैं। और जका अशरफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, लेकिन वो इसको किस तरह देखते हैं उनसे ही बात करेंगे। फिलहाल मैं उनको फॉर्मा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब हो गए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वो नाजरीन जो उस खबर का इंतजार कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि नजम सेठी साहब के लिए कुछ सवालात छोड़े जाएंगे जिनका बहुत गहरा ताल्लुक बलोचिस्तान से निकलता है, तो बात उस पर भी करेंगे। लेकिन पहले आज के मौजू पे आ जाए, सबको वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। जका अशरफ साहब, ये बताइएगा कि जहां तक मेरी इत्तलात है, ये पता चला कि आपने वजीर आजम से मिलना चाहा, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया या बहानेबाजी की आपसे नहीं मिले, और फिर उसके बाद आप एक फंक्शन में थे और आपको मेरे ख्याल से टेलीविजन के या मीडिया के थ्रू जराए से बताया गया कि अब आप चेयरमैन नहीं रहे। जी शुक्रिया जैस्मीन, मैं जब क्रिकेट बोर्ड में जैसे ही आया तो मुझे तो खैर पता भी नहीं था कि ये बिग थ्री का क्या इशू है, क्योंकि ये 3 जनवरी को, जब गालिबन जनवरी के 3 जनवरी थी, जिसमें आईसीसी की मीटिंग थी जिसमें नजम सेठी साहब गए और वहां पर क्या बातें हुई किसी को भी कोई पता नहीं था। तो जैसे ही मैं बना और पता चला जी आईसीसी मीटिंग आ गई है, 2 दिन के बाद आपने जाना है, तो जैसे मैंने तैयारी की वहां पहुंचे, तो एक दिन पहले वहां पहुंचे तो पता चला जी कि ये तो बिग थ्री का इशू आ गया है और जिसमें ये सारा मामला जो है वो हो रहे हैं, जो भी सारी दुनिया को पता है। तो मैंने फौरन वहां पर जाकर जितने बोर्ड से रابطे किए, हमने रात को 2-2 बजे तक वहां मीटिंग्स की और उसमें हमारी ये जो डिप्लोमेटिक उनसे रिलेशनशिप इस तरह थी कि 5 वोट जाके आईसीसी की मीटिंग में बिग थ्री के हक में पड़े और 5 वोट हमारे साथ आए। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि सबसे पहले जो पहला इनका कोशिश है बिग थ्री की, उसको तो नाकाम बनाए। अच्छा। तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको हमने नाकाम बनाया और वो कामयाब नहीं हो सका। और वापस आकर मैंने फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगने की कोशिश की, खत भी लिखे, लेकिन शायद उनकी मसरूफियात होंगी कोई किसी जगह, तो उन्होंने वक्त नहीं दिया। मैंने फिर टेलीफोन कॉल भी की, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं ब्रिगेडियर साहब, उनसे बात हुई,
तो उन्होंने भी कहा कि जी मैं पूछ के फिर आपको बताऊंगा, कि कोई वहां से कंफर्मेशन नहीं आई। और उसके बाद फिर दूसरी दफा जो मीटिंग अभी हुई 8 तारीख को, ये सिंगापुर में थी, तो मैं इससे जाने से पहले भी पूछना चाहता था कि क्या हमारा स्टैंड होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की मसरूफ थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बोर्ड की जो मीटिंग्स हुई मैंने बोर्ड से जरूर उसके ऊपर मशावरत की दोनों टाइम पे, और उनसे मशावरत करके मैंने कहा फिर हम आगे जाएं जिसमें ताकि चलो कोई तो पीछे सपोर्ट हो बताएं कि जी क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि ये बोर्ड के जो लोग हैं 10 बंदे हैं उसमें, जो कि सब इलेक्टेड है अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, तो वो उनसे मशावरत की और बोर्ड ने भी कहा कि नहीं जी हमने बिग थ्री को सपोर्ट नहीं करना और पाकिस्तान का मुफाद ये है कि हम बिग थ्री के साथ ना चलें। तो वहां हम गए, जब वहां पहुंचे हम तो जो जिस तरह हमारे साथ 2 ममालिक थे, बाकी तो 2 का पता चला कि वो चले गए थे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज। अच्छा, तो हमारे साथ साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका रह गए। ठीक है, ये बातें तो हमें पता है, हम बिल्कुल ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी बातें आपकी मैं सुन चुकी हूँ न्यूज में भी, इधर भी उधर भी। मुझे अभी ये बता दीजिए कि ये अचानक क्या हुआ, आपको क्यों हटाया गया? लेट मी पुट इट दैट वे, स्ट्रेट क्वेश्चन। चलो, जब जैसी मैं मीटिंग के बाद 8 तारीख के बाद वापस आया हूँ, यहाँ पर एक किताब की रूनुमाई थी, को सीनियर जर्नलिस्ट है उनकी किताब थी, तो मैं उधर 5-स्टार होटल में उनके बैठा हुआ था। वसीम अकरम साहब भी मेरे साथ थे, आज जनरल आरिफ हसन साहब जो ओलंपिक एसोसिएशन के, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वहां बैठ के मेरा तारुफ पहले अनाउंस किया गया, चेयरमैन पीसीबी, और तारुफ कराया गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक जर्नलिस्ट आए, तो कहते हैं जी कभी पता चला है कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन कर दिया है जिसमें उन्होंने आईन भी मुतल, बोर्ड भी, और ये सेठी साहब को उन्होंने भेज दिया। तो मैंने कहा वो किस तरह हो गया भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, गलत इतला होगी, ऐसे किसी ने अफवाहें उड़ाई होंगी, क्योंकि काफी दिनों से अफवाहें चल रही थी। तो मैं उसकी बात ना मानी और वो खैर फंक्शन खत्म हुआ तो उधर ही ये बातें शुरू हो गई। और उसके बाद जब जैसे ही मैं अपने ऑफिस आया हूँ, जो मेरा अपना जाती ऑफिस है, तो वहां आया हूं तो पता चला कि जी ये तो सारा हुकूमत की तरफ से कोई हुक्मनामा जारी क्या, हो गया। वजह क्या हो सकती है? सारे अहकामात जारी हो। ओके जका अशरफ साहब, ये आपने कहा एक तरह का मार्शल कू हुआ। अब मुझे ये बता दें, नजब सेठी साहब को क्यों नॉमिनेट, उनमें क्या खूबी है? उन्होंने आईसीसी के साथ बड़ा अच्छी नेगोशिएशंस की, वो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मतलब क्या था, क्या वजह क्या हो सकती है फॉर सेलेक्टिंग हिम, आपकी अपनी राय में? मेरे ख्याल में तो ये राय है कि वो ऑलराउंडर लगते हैं मुझे। अच्छा, वो अगर निगरान हुकूमत की बात आती है तो चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे मौजूद है, और अगर उनको पाकिस्तान के एम्बेसडर बनना है अमेरिका में तो उसके लिए सबसे मौजूद है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना है तो वो सबसे मौजूद है। जहां वहां उनकी बात नहीं बनी तो वो पीसीबी में आ गए। मैं तो कहता हूँ नजम सेठी साहब बहुत काबिल है, जितनी पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन सबके चेयरमैन के लिए सबसे मौजूद वही है, एक जर्नलिस्ट है उनका, ठीक है उनका एज अ जर्नलिस्ट उनका जो काम बनता है वो उनको करना चाहिए, लेकिन हर चीज में घुस के जर्नलिज्म भी करें, दोनों काम करें, तो ये मैं समझता हूँ वैसे भी मुनासिब नहीं है उनके लिए। अली मोहम्मद साहब, तहरीके इंसाफ ने बड़े वाजा इल्जाम लगाया और कहा कि 35 पंचरों का, जाहिर सी बात है 11 मई को बात हुई, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये बात हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, या तो ये बात है, मतलब है कि एक बात है, और या इसके पीछे कॉन्क्रीट एविडेंस है। 35 पंचरों का मतलब, जहां तक पहले तो मैं वाजे तौर पर समझी हूं, वो 35 हल्के हैं। 11 मई की रात को नजम सेठी की और वजीर आजम की, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई गुफ्तगू हुई जिसके आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ्स हैं, जो आप लोग कल से आप लोगों ने ये सारी इशू को इस तरह से मंजर आम पे आप लेकर आए हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास कोई बैकअप प्रूफ भी होगा। प्लीज काइंडली एक्सप्लेन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु या कनस्तईन। जस्मीन साहब, इस इशू के दो पैराए हैं। ठीक। एक तो वो ग्रेव इलीगैलिटी जो करते हुए जो मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एथिकल हर लिहाज से गलत एक तरीके कार अपनाते हुए मियां साहब ने सेठी साहब को दोबारा लगा दिया, और दूसरा जो है उसका जो पैराया है वो इलीगैलिटी, वो इलेक्शन से हवाले से है कि भाई इस इन साहब को जो है तो नवाजा गया दोबारा, कि जो इनके साथ डील हुई थी, या मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो जकात साहब ने बात की है। मैं तो एक मशवरा दूंगा मियां साहब को, अक्सर गायब रहते हैं असेंबली से, वो कुर्सी खाली होती है उस पर भी बैठा दें उनको, क्योंकि इनमें बड़ी सलाहियतें हैं। तो एक तो देखें, अगर तो
हम तो उसको लाएंगे मैदान में प्रूफ के साथ, लेकिन अगर ये हम साबित कर गए और ये मीडिया में साबित हो गया कि 11 मई की रात मियां साहब और उनके बीच में, सेठी साहब के बीच में बात हुई है, तो बात ही क्यों हुई है? 35 पंक्चर की बात तो बाद में आएगी, बात क्यों हुई आपकी उससे? आप एक कंटेस्टेंट हैं मेरी तरह, इमरान खान की तरह आप एक कंटेस्टेंट हैं, आपकी बात क्यों हुई? और 35 पंक्चर देखें, ये इतनी आज भी आई वॉज विद खान साहब के साथ थे, वो जो केस चार उसका चल रहा है, चूंकि सब जुड़े से मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हम इस तरह करते रहेंगे, देखें आपको पता है कि इलेक्शन में जो इलेक्शन का जो ज़ाब्ता इखलाक था कि कौमी असेंबली का इलेक्शन जैस्मीन साहिबा वो रूल जो था कि 15 लाख के अंदर लड़ा जाएगा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 13.5 लाख 14.25 लाख के बीच में मेरा खर्चा हुआ है कौमी असेंबली की सीट। मुझे ये बताएं कि अगर आपने ज़ाब्ते अखलाक को नहीं लागू किया और 3.5-5 करोड़ लोगों ने लगाए हैं कौमी असेंबली की सीट पर, ये मैंने कम आपको बताया, तो इसमें मेरे जैसे आम लोग जो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता रह जाता था? जो इमरान खान बात करते हैं, ये जो 35 पंक्चर का मसला 35 सीटों का नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल और उनकी ख्वाहिशात का गला दबोचने वाली नहीं, बात लेकिन है। अली मुझे तो ये साबित हो गया, तो मैं तो समझता हूँ नहीं, आप किस चीज का इंतजार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर आप ये 35 सीटों वाली बात मंजर आम पे ले आते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस गवर्नमेंट इज फिनिश्ड, they have to go, they will have no moral authority on the ground. लेकिन अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाए तो बड़े इमरान की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। मैं बड़े अफसोस से एक बात करता हूँ, बड़े अफसोस से, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हम छोटे थे, आप भी छोटी होंगी जैस्मीन साहिबा, आप भी शायद स्कूल में या कॉलेज स्कूल में पढ़ती होंगी जब जुनेजो साहब को खबर मिली, वो बेचारा मुल्क से बाहर था और वज़ीर आज़म था, उसको जनाब रुख्सत कर दिया गया, वापस आके टैक्सी में बैठ के अपना अटैची पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, और यही काम जनाब ने किया अपने मियाँ साहब ने मुशर्रफ साहब के साथ। हम बड़ा कहते हैं आर्टिकल 6। मुझे ये बताएं क्या, मैं एक वकील हूं हाई कोर्ट का, मुझे आप ये बताएं, आप एक जो मामूली पियन होता है, एक तो ये बात, हम मुल्क में हमेशा मिसाल देते हैं मामूली चपरासी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये मामूली लोग ही काम ना करें तो आपके और हमारे बड़े बड़े इदारे ना चलें, लेकिन एक मामूली बेचारे चपरासी को जब आप फारिग करते हैं, यू गिव आप उसको कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए आप उसको बिल्कुल जनाब आप उसको शो कॉज देते हैं, आप उसको कमेटी के सामने बैठाते हैं। मुझे ये बताएं ज़कात अशरफ साहब, ये मुझे इनसे कोई वो हमदर्दी नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मुझे ये बताएं मेरे मुल्क की आला तरीन अदालत हाई कोर्ट इनको रीइंस्टेट करती है, आपने अदालतों का भी मजाक बनाया हुआ है, और यार ये बंदा इज्जतदार बंदा है, इसको अदालत ने बिठाया है, आपको अगर इससे शिकायत है आप चार्जशीट आप इनको जो है तो शो कॉज दें, आप इनको कमेटी के सामने उनको मौका दें कि अपने आप को क्लियर करें। ओके एक मिनट, अब मुझे राना मोहम्मद अफजल साहब से बात करने दें, क्योंकि बहुत सारी सीरियस एलिगेशन गवर्नमेंट पे लग चुकी है। आपने इनकी गुफ्तगु सुनी, मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ सर, दो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे इन्हीं बातों से रिलेटेड। ज़का अशरफ साहब को हटाना था आपने तो कोई तरीकेकार अपनाया होता, ये एक हटाने का कौन सा तरीका था कि उनको एक फंक्शन में इत्तला मिल रही है? आई मीन ठीक है भाई, इस तरह तो हम माजरत के साथ, घर में कोई मुलाजिम हो उसको भी नहीं कोई फारिग करता, उसको भी इत्तला दे दी जाती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है 1 मंथ नोटिस पीरियड। एक ये, दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है, ये दुरुस्त है कि नजम सेठी साहब ने 35 हल्कों के पंचरों की वारदात की है पंजाब में? शुक्रिया जैस्मीन, आज जब हम ये इशू डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ जो हम चार लोग स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम चारों क्रिकेटर नहीं है। बिल्कुल आपने मैं भी, जी, आपने मैं भी नहीं खेली होगी, मैंने खेली है, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट दिनों में खेली है, स्कूल के दिनों में, नहीं जी, मैं 19 में इलेक्ट हुआ था। चलें जी, बहुत बड़े क्रिकेटर बैठे हैं, नहीं बहुत बड़े नहीं लेकिन मैंने खेली है। ओके, प्लीज डोंट इंटरप्ट, ठीक है। ये हमारे साथ, हम लोग एक क्रिकेट बोर्ड की अहलियत चलाने के हम चारों लोग जो है कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है जो क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ी बात कर सके। आपने जब अपनी बात शुरू की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि नवाज अपना आसिफ जरदारी साहब के दोस्त थे, जब इनको लगाया गया लोगों ने बड़े एतराजात किए। असूलन होता यह है कि जब एक दोस्त चला जाता है तो दूसरे दोस्त को भी खुद ही चले जाना चाहिए, वो नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बहाल ना किया होता तो आज ये हम जो आज टॉक शो कर रहे हैं इसकी जरूरत पेश ना आती। आप नजम सेठी साहब आज भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते और आपने देखा कि साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, जो भी हुआ। मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि हर चीज किसी जाब्ते के तहत होती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने
इनकी वर्किंग रिलेशनशिप अगर नहीं है आपस में. अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज होती है, सारे सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं, पूरी टीम नई आ जाती है. लेकिन यहां हमारे यहां एक ये पता नहीं क्यों कि हम जिस कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो कहते हैं जी यहां से हमने उस वक्त जाना है जब कोई हादसा पेश आए. तो अभी इतना बड़ा हादसा पेश आया कि हमने जो आईसीसी के साथ ये हुआ कि हम लोग आइसोलेट हो गए दुनिया के अंदर, ना हम उधर के रहे ना हम इधर के रहे. ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर ऑनरेबली खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जी आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट बी, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं जा रहा हूं. तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तीन चार पॉइंट जो मैंने दिए हैं, सबसे अहम इनमें जो मेरा नुकता है कि दो गवर्नमेंट की और एक चेयरमैन की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, एक वर्किंग रिलेशन, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए. अगर वो कंफर्ट लेवल नहीं है तो किसी चेयरमैन को उसके साथ चिपके नहीं रहना चाहिए. राणा मोहम्मद अफजल साहब, देखें हम क्रिकेट खेल जी, जका साहब आप कर दे, आप बोले जी, प्लीज दीजिएगा जी. मैं बड़ी मदद से राणा साहब आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आपने जिस तरह ये बातचीत की, ना मुझे चिपकने का शौक है और ना ही मैं कुर्सी से चिपटना चाहता हूं. ये पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं. अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते हैं कि ठीक है वो एक नई गवर्नमेंट आई है और अपनी वो सारी टीम साहब लाते हैं, ठीक है, होता है दुनिया में, लेकिन दो चीजें आपको समझने की जरूरत है. अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे वक्त देते तो मैं आज आपको इस प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूं कि मैंने उनसे ये दिल में सोचा था कि मैं पूछूंगा कि आप मुझे चाहते हैं मैं रहूं कि ना रहूं, आप अपने साथ चलाना चाहते हैं कि नहीं. अगर वो कहते हैं कि भाई आप, मैं अपनी टीम लगाना चाहता हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं मैं शायद खुद ही रिजाइन करके चला जाता. हम वो नहीं है जो चिपटने वाले हों, ना हम, हमारे दिल में अगर है तो पाकिस्तान का जज्बा है, मुल्क की खिदमत करने की बात है. और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये जो हुकूमत आती है चेंज करती है, आईसीसी के और पाकिस्तान क्रिकेट के जो दूसरे जो अदारे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं आपके जहन में है, उससे चीजें मुख्तलिफ है राणा साहब. यहां पर पाकिस्तान में आईसीसी ने, जब मैं आया था 2012 में, तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया था कि आईसीसी का जो आईन है, कानून है क्रिकेट बोर्ड का, वो आईसीसी के उसके मुताबिक होगा कि क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट की नॉन इंटरफेरेंस. अब वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जिसके साथ इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन हुए, और जिसको आप देखें पाकिस्तान की हाईकोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट से भी हुकूमत को केस वापस लेना पड़ा शर्मिंदगी उठा के. और ये सारे फैसले आने के बाद जो पाकिस्तान की जात अदलिया ने फैसला किया, अब उसके बाद आपने वो जो ऊपर मैनेजमेंट कमेटीज लगा दी जिसको कि हाईकोर्ट ऑलरेडी उसको तहलील कर चुका था. तो ये सब चीजें वो है ना, आप अदालतों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना आप बैन अल-अक़वामी कानून को करते हैं. और ये जो आपने किया है डिसीजन, ये ठीक है जो वो करे उनकी सवाबदीद है, लेकिन इसका पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है. इसमें आईसीसी में, दुनिया में, जी सर आप प्लीज पूरा जवाब दीजिएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्रिकेटर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो आप देखें, आप वो बात कर रहे हैं जैसे आम सरकारी इदारे होते हैं, क्रिकेट का वो चीज नहीं है. ये ठीक है, आई अंडरस्टैंड. ये जकाश मेहरबानी जरा कानून पढ़ लें. जकाश साहब ने कहा जरा कानून पढ़ लें. सर आई एग्री विद यू. एक सेकंड जरा रुक जाइएगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले लेने दें, मैं इस पर फिर बात करना चाहती हूँ. सवाली इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन किसी वजह के लिए, बिला वजह नहीं किए जाते हर वक्त इस्तेमाल. राइट आफ्टर दिस ब्रेक. Perfect Skin Daily. Who takes care of me? वेलकम बैक नाजरीन. और एक खबर भी आपको देती जाऊं कि नजब सेठी साहब ने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवा दिया है. तो अब देखें, अब मैं जो अली मोहम्मद से बात कर रही थी प्रूफ करने की, तो वो उस पर बात करेंगे. राणा अफजल साहब, आप अगर कुछ अपना मौकिफ जका अशरफ साहब के हवाले से आप कुछ देना चाह रहे थे जरा बता दें. जी जी बिल्कुल, मैं ब्रीफली ये कहूं कि अभी यहां पे कहा गया कि हुकूमत ने, जी 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 जी, इन्होंने हुकूमत ने इनको रिमूव किया है. मैं यहां ये कहूंगा कि हुकूमत, ये बिल्कुल वैसी है कि अगर हाईकोर्ट के एक जज हों और शाम को आके अपने बेटे को किसी चीज से मना कर दें तो आप वो कहें जी हाईकोर्ट के जज ने ऑर्डर पास कर दिया. नवाज शरीफ साहब पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड के, एंड ही इन दैट कैपेसिटी वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, वो वजीर आजम अपनी जगह हैं. अगर एक क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न ने अपनी पावर्स को यूज करके
एक अमेंडमेंट की और उसके मुताबिक उन्होंने बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू एक चेंज लेके आए हैं, तो उसको मुझे नहीं पता कि अली मोहम्मद साहब और पीटीआई के चेयरमैन उसको गैर कानूनी और ये और वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि विद इन दी रूल्स ये हुआ है। और दूसरी बात जो 35 पंक्चर वाली, जिसके ऊपर मैं समझता हूं बड़ी एक हाइप क्रिएट हो रही है मीडिया के अंदर। देखें नजम सेठी साहब कभी कभी अपने प्रोग्रामों में पंजाबी के अंदर मजाक भी करते हैं, और जिस वक्त 11 मई की रात को ये बात अगर हुई है, मैं इसका शाहिद नहीं, मुझे इसका इलम नहीं, तो ये एक उस वक्त जब बात की होगी 11 मई की रात को, उस वक्त तक 35 पंक्चर लग गए होंगे, दूसरे दिन सुबह तक 125 पंक्चर लग गए थे। फैसलाबाद के अंदर जो इलेक्शन हुआ वहां 11 एमएनए की सीटें थी, 22 एमपीए की सीटें थी, हमने वहां 33 पंक्चर लगाए, और मेरा इलेक्शन फैसलाबाद से हुआ 90,000 की लीड के साथ, मैं जीता अपने पीटीआई के मुकाबले वाले दूसरे कैंडिडेट से। हमारे ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कहते हैं कि राणा अफजल साहब ये कह रहे हैं कि यू नो ये कह रहे हैं इनके पास ऑडियो ऑडियो मौजूद है, आप इनको बोले कि सामने ले आए, अगर नहीं लाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी साख बच जाएगी, और अगर ये सामने लाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट की साख खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऑडियो है भी तो 35 पंक्चर जो थे वो सुबह तक 125 और फिर वो 150 पंक्चर बन गया। ये चीजें जो हैं ये कोई खुदा ना खास्ता अगर धांधली होती है तो वो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से कितने हजार आदमियों को आप हायर करेंगे जाली वोट डालने के लिए। पीटीआई इज अ क्रिटिसिज्म पार्टी, ये हर जगह से ढूंढते हैं कि जी गवर्नमेंट को हमने डिस्क्रेडिट किस तरीके से करना है। अब वो जका अशरफ साहब को भी इस चीज में यूज कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को कैसे लीड कर रहे हैं। जका अशरफ साहब के अलावा आपने अभी कितने लोगों को आपने फारिग किया है, इसी तरह इतनी अनसर्मोनियसली पेमरा को, नादरा को, पीआईए को, पीटीए को, पीसीबी को। एक कॉल ले लेते हैं, बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बासित अली साहब बहुत ही नामवर पाकिस्तान के बैट्समैन क्रिकेटर, उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाई बोर्ड के, जो नया बोर्ड आया उसके मेंबर, उन्होंने कहा जी जका अशरफ साहब ने उनको रखा वो तो एक बुकी हैं, और नजम सेठी साहब ने भी उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें की, तो उनसे भी पूछ लेते हैं उनका मौके। मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ ना सर, बोर्ड तो आपने ही तश्कील दिया, लोग तो आपके ही है, मेंबर्स तो आप पेट्रन इन चीफ के ही है ना। तो बासित अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैस्मिन, कैसे हैं बासित? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। बस बस शुक्र अल्लाह का। पाकिस्तान के सारे लोग आपके फैन हैं और पूरी दुनिया आपका आपको लव करती है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, वी ऑल हैव हाई रिगार्ड फॉर यू। ये जो शकील साहब हैं ये क्या फरमा रहे थे, इनकी बातें आपने सुन ली होंगी कि बहुत हाई लेवल की करप्शन की और वो तो एक बुकी थे, और नजम सेठी साहब ने भी इसी तरह की कुछ इल्जाम लगाए आप पर भी और आमिर सुहेल पर भी। जैस्मिन मैं पहले ये बता दूं, दुनिया में सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जिसका नाम, एक का नाम बासित अली और एक का नाम है राशिद लतीफ, जिसने दुनिया को 1995 में बताया कि मैच फिक्सिंग होती है। हमारी रिपोर्ट पे जस्टिस कयूम मलिक ने सबको पनिशमेंट दी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब मैं टेस्ट प्लेयर था जब भी किराए के मकान में रहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ, जो शकील शेख साहब ने बातें कही हैं कि वुमेन टीम के हवाले से भी, वो तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। अब मैं जाऊंगा कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने हमारे जो कप्तान है मिसबाउल हक उन्हें भी गीदड़ बोला, जो पाकिस्तान का कप्तान है आमिर सोहेल पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुका है, उसके लिए गलत अल्फाज बोले, मेरे लिए इन्होंने गलत अल्फाज बोले, जावेद मियादाद के लिए गलत अल्फाज बोले। तो ये तो वो लट्टू हैं जो हर जगह घूमते रहते हैं। और आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो भी डिसीजन हुआ है अभी, ये मेरा जाती ख्याल है कि इंडियन लॉबी की वजह से डिसीजन हुआ है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एमएनए हैं शायद नून लीग के जी, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि हमारे पैटर्न इन चीफ है नवाज शरीफ साहब, और माशाल्लाह उन्होंने क्रिकेट खेली है, 1999 में उनके साथ इतनी बड़ी जाति होती है, कू होता है, उन्हें जेल भेजा जाता है, जमहूरियत हट जाती है और फौज आ जाती है वहाँ पे, उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें दोबारा चांस देता है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाता है। उन्होंने ये फैसला करके एक इलेक्टेड चेयरमैन को हटा के उन्होंने 99 वाला फैसला दुरुस्त साबित कर दिया कि वो जो फैसला कर रहा था एक डिक्टेटर ने वो सही किया था। मुझे इस बात का जवाब अगर ये दे सकते हैं अफजल साहब तो बड़ी मेहरबानी होगी कि एक इलेक्टेड चेयरमैन को आपने हटा दिया, तो इसका मतलब जो 99 में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था जिसको अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं होने दिया, कितनी बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। और मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूँ, जब मैं उम्रा करने गया था तो मैं नवाज शरीफ साहब से मिला भी था और उनके लिए मैंने दुआ करी थी कि अल्लाह पाक आपको दोबारा मुल्क में लेके आए।
हम लोग ने पाकिस्तान को सर्व करा है। जब हमारा एंथम बजता है जैस्मिन, मेरे आंसू आते हैं बेशक। एक वो बंदा जो अभी गवर्निंग बोर्ड की कमेटी में उसे शामिल किया गया है, वो पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स को इस तरह बोलता है, मतलब अपना पैटर्न इन चीफ साहब ने खुद क्रिकेट खेली है, मुझे बताएं मेरी बीवी का क्या हाल हुआ, मेरी बीवी रात को रो रही थी, ये इनका बेटा मेरे घर में रहता था, सैरी करता था, अफतारी करता था, शकील शेख का बेटा, मेरी बीवी ने मुझसे बोला कि आप तो ये एक सेकंड बात है, शकील शेख का बेटा अगर आपके घर आता जाता था आप कितने अच्छे थे, आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं इस तरह ये? क्योंकि मेरे इन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम बनाया था जैस्मिन इस दफा, जिसके मैंने मुखालफत करी थी कि ये 4 दिन का नहीं है, 6 दिन का डोमेस्टिक है, और एक साथ 625 लड़कों को खिला दिया, एक साथ सारी क्रिकेट करा दी इन्होंने, इस कमेटी को हेड करते थे शकील शेख साहब। अच्छा सर, ये देखें मैं डिपार्टमेंट की क्रिकेट हमारे यहाँ अच्छी होती है, उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट से 600 रन करता है और रीजन से 900 रन करता है, 900 रन करने वाले का नाम नहीं आता है पाकिस्तान टीम में, जो 600 रन करता है वो उसका नाम आता है। तो इन्होंने सिफारसी प्लेयर्स को खिलाने के लिए, इनके बेटा मोहित 17 मैच खेला, 11 रन किया एवरेज से, पूछ ले आप किसी को भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, इनका बेटा खेल रहा है, इनके भतीजे खेल रहे हैं इस्लामाबाद रीजन से, ये डॉन बने हुए हैं। जब तक ये लोग क्रिकेट में रहेंगे, अल्लाह के वास्ते ये अपना नून लीग के राना अफजल साहब यहाँ मौजूद है, मेरी रिक्वेस्ट है कोई आए या ना आए, लेकिन इन लोगों को हटा दें, ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, हमारी रीजन को तबाह कर रहे हैं। मैं देखे पूरी कौम आप लोगों के साथ है, क्रिकेट इंशाल्लाह तबाह नहीं होगा, लेकिन ये आप लोगों की आवाज हम उठाते रहेंगे। देखें आई डोंट हैव एनी टाइम, लेकिन मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल ये करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा, मैंने सुना है कि ये शकील शेख साहब नजम सेठी के भी बहुत करीब है और इन्होंने ही लॉबिंग की है और नजम सेठी को उकसाया है कि ज़का अशरफ साहब को हटवाओ और 90 दिन में इंतखाबात भी नहीं करवाने। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, इन्होंने यही बातें करी है टीवी पे, जो मैं मतलब मुझे अफसोस होता है कि उसके बेटे ने आज मुझे फोन करके माफी मांगी है कि मेरे अब्बा ने आपके लिए बहुत बहुत ही खराब बातें करी है, बासित भाई मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बासित अली सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। अली मैं आपसे जी अली प्लीज आप बोल दें, जी बोल दें, और ये भी बता दूं कि नजम सेठी साहब ने बाकी लीगल नोटिस सियासत तो होती रहेगी। मैं हेलो जी 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 फरमाइए अली, हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी, शायद उनको इससे भी कोई बड़ा ओहदा दिला दें, 35 पंक्चर भी चलते रहेंगे, लेकिन सब इस सारी बातों में हमें अपने नेशनल हीरोज को डिसग्रेस नहीं करना चाहिए ना चाहिए। बासित अली पाकिस्तान का वो सितारा था, वो हसरत उनको उन चौपे जो बिन खिले मुरझा गए, हम छोटे थे इनको खेलता देखते थे, 127 रन की उनकी इनिंग्स मुझे आज भी याद है शारजा में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ऐसा बंदा जो मियादाद सानी था, ऐसा बंदा जिसका साहब एक बात बताइएगा सर, बिफोर आई क्लोज द शो दांव पे लगा के आज उसकी ये हालत है, मुझे बहुत सेठी के खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे सर, कोर्ट में दोबारा जाएंगे, रुजू करेंगे कोर्ट से? ज़का अशरफ साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा मैं इनसे ये पूछा जा रही थी कि आपको आप दोबारा इसको कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज को। राणा अफजल साहब जवाब देना पसंद करेंगे बासित अली को? पूरी कौम कह रही है कि आपके पेट्रन इन चीफ के अंडर जो लोग हैं वो तोहीन करते फिर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स की, ये तो मतलब है कुछ जाती नहीं हो गई? जी 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 राणा साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही शायद, अब कौन बोल रहा है, ज़का अशरफ साहब बोल रहे हैं या राणा अफजल बोल रहे हैं? अच्छा चलें एनीवे नाज़रीन ये है क्या नाम है, राणा अफजल साहब से मुझे जवाब लेना था, शायद उनको मेरी आवाज नहीं जा रही, बट एनीवे वी आर वेरी 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 शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, तो मैं आपको ये खबर दे देती हूँ। नाज़रीन नजम सेठी साहब से आज आवाम सवाल कर रही है, एक बात याद रखिएगा, अभी जो बासित ने बात की है उन्होंने ये कहा है कि इंडियन लॉबी जो है वो जीती है, इंडियन लॉबी कैसे जीती है इस पर गौर करें। दो तीन इशूज हैं, नजम सेठी साहब को बताना होगा कौन को कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने BLA को सपोर्ट करने के शुबे में जिन लोगों को उठाया था उनमें नजम सेठी साहब भी एक शख्सियत थे। नजम सेठी साहब मिलिट्री डिटेंशन सेंटर क्वेटा में 1975 से 77 तक क्यों रहे? कराची से पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने उठाया और क्वेटा में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार भी किया है और इस बात पे उन्होंने इकरार भी किया है कि वो BLA को सपोर्ट करते थे और हकूमत के खिलाफ सरगर्मियां
करने वाले निजाम के खिलाफ लड़ते रहे हैं और उसके बाद उनको तब रिहा किया गया जब ज़िया गवर्नमेंट में वापस आए। बीएलए के रुकन एक और रुकन है असद रहमान, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बीएलए से ताल्लुकात की तस्दीक हुई। तो 1977 to 1975 सिर्फ सवाल आज का इतना छोड़े जाते हैं क्योंकि नजम सेठी साहब कौम के लिए एक बहुत बड़े सहाफी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं और आप पीसीबी के चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में हमें रिप्रेजेंट करना है। खाली वो बता दें इतना कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने उनको 75 से 77 में डिटेंशन में क्वेटा में क्यों रखा, उन पर क्या इल्जाम थे, इसकी वजाहत अगर वो अपने प्रोग्राम में करें जैसे दूसरों के लिए वो करते हैं तो हमें बहुत अच्छा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे गेस्ट का शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। With Jasmine was brought to you by in association with